अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त मुआद असलम। द ऑनलाइन मेल में खुश आमदी। नज़र डालेंगे दुनिया भर की खबरों पर। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 4000 से तजावज़ कर गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों में इजाफा, तादाद 82,000 जबकि 14 लाख मरीजों में वायरस की तस्दीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चीन, वुहान से 11 हफ्तों के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, लोग मामूल की जिंदगी की तरफ वापस आने लगे, बीजिंग मीडिया। मैड्रिड, स्पेन में कोरोना वायरस का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा, तमाम तरह हुकूमती कोशिशें बेसूद साबित होने लगीं। वाशिंगटन, ट्रंप की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर शदीद तनकीद, उनका कहना था कि तंजीम की सारी तवज्जो चाइना पर है, उसे बाकी दुनिया की फिक्र नहीं। ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माली इमदाद रोकने का भी इशारा दे दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स। लातिनी अमरीका, एक्वाडोर के साबिक सदर राफेल कोरियास को करप्शन के इल्ज़ाम में अदालत ने 8 साल कैद की सजा सुना दी। इस्तांबुल, तुर्की ने अपने तमाम शहरियों को फेस मास्क पहनने की हदायत कर दी, वाजिया रहे कि तुर्की में कोरोना से हलाकतों की तादाद 700 से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान का मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क सदर को हर किस्म की मदद की यकीन दहानी, तुर्क मीडिया। लंदन, बरतानवी वजीर आजम के अस्पताल मुंतकिल होने के बाद हाउस ऑफ द लॉर्ड में नई लीडरशिप की आवाज़ें गूंजने लगी। न्यूजीलैंड, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने पर वजीर की तनजली, वजीर सेहत डेविड क्लार्क लोगों को लॉकडाउन से मुतल्लिक अहकामात देने के बाद खुद फैमिली के साथ सैर पर निकल गए। जम्मू कश्मीर, भारत ने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को घर मुंतकिल कर दिया, वो 5 अगस्त से भारतीय हुकूमत की हिरासत में थी। कोरोना ने साबित कर दिया अमेरिका एक नाकाम मुल्क है, अमेरिका दुनिया को चलाने की ताकत तो दूर, वो अपने मुल्क को नहीं चला सकता, ईरानी स्पीकर के नुमाइंदा अमीर अब्दुल्ला का ट्वीट। अफगानिस्तान, अफगान तालिबान ने मुजाकराती टीम को काबुल से वापस बुला लिया, तालिबान के दोहा सेनेटर के तर्जुमान सुहेल शहीन ने ट्वीट किया कि अफगान हुकूमत ने कैदियों की रिहाई में तखीर करके अमन मुहदे के खिलाफ वर्जी की। ब्राजीलिया, ब्राज़ील के वज़ीर तालीम अब्राहम वेंट्रोप का चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम, चीन की ब्राज़ील को माफ़ी मांगने का मुतालबा। हरारे, जिम्बाब्वे में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तिबी आलात की कमी, इमदाद की अपील। लीबिया, त्रिपोलिस में हस्पताल पर रॉकेट से हमला, 6 अफराद जख्मी, हस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज जारी था, बसरा न्यूज़। भारत, इंसानी हकों की तंजीमों ने भारत पर जोर दिया है कि वो फौरन कश्मीरी कैदियों को रिहा करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियन फोरम ब्राय इंसानी हकों और तरक्की का जिनेवा में मुश्तरक बयान। न्यूयॉर्क, अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि शामी सदर बशार अल असद की फोर्सेस अस्पतालों और स्कूलों पर हमला करने में मुलव्वस हैं, यूएन। अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद ना किया जाए और लोगों को घरों में रहने का मशवरा। उनका मजीद कहना था, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। पेरिस, फ्रांस में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई, सदर माइक्रोन का इमरजेंसी का ऐलान। नाज़रीन, ये थी द ऑनलाइन मेल से दुनिया भर की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।